तो शैतान रद्द करता गया तो आप दे मुर्शद नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाही ताला ले बुखारा शरीफ दे विच वजू फरमा रहे सन तो जिहड़ा मुरीद वजू कर रहा सी कहिंदे अज तेरे फलां पीर भाई दा ना बड़ा सख्त इम्तहान हो रहा है। इत्तकुल्लाह फिरासतुल मोमिन फा इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह के मोमन की निगाह से डरो वो नूर से देखे। अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी च खड़े होके खुतबे दे दौरान वेख सकते ने कि पहाड़ दे उत्ते की हो रहा है, हैं अगर उन्होंने रहनुमाई कर सकते ने तो ये जनाब अल्लाह दे वली ने कहा कि आखिरी वक्त है तो बड़ा सख्त इम्तहान है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दा मुरीद जो वजू कर रहा है कहिंदा हजूर फिर जल्दी करो, बैठे उत्थे ही ने चुल्लू पानी का भरया इंज सुटिया वेखण वाले ने ही वेख्या कि दीवार ते वज गया लेकिन वो पानी जा के इमाम साहब के मूँह ते वज्या और नाल बोलिया इनू लाइन नू कह कि मैं रब नू बगैर दलील तो ही मानदा, रब नू मनन वास्ते दलीलां दी लोड़ है। तो ईमान बचान भी मुरशद पहुँच जाते हैं, कबर च भी मुरशद की निस्बत कम आ जाती, निस्बत बड़ी चीज़ है। खुदा जे दे ए दौलत तो बड़ी चीज़ है, ये निस्बत बड़ी चीज़ है। अगर खुदा दे ए दौलत तो बड़ी चीज़ है, मिले किसे किसे नू, लिहाजा जिदा कोई रहबर नहीं रहनुमा नहीं उदा शैतान है। और आज तुसी दुनिया वेख लो, घर वेख लो, बाजार वेख लो, अपना गली महला देख लो, जेड़े निस्बत वाले ने उन्हां दा उठना बैठना चलना फिरना सोचना बोलना और है, और जेड़े निस्बत तो बगैर ने उन्हां दा देखना बोलना सुनना चलना और है। असी भी इसे दुनिया ते रहिंदे आ, सानू भी पता टीवी है, केबल है, नैट है, फिल्मां हैं, ड्रामे हैं, सब कुछ है, लेकिन साडा दिल उस साइड ते क्यों नहीं जा रहा, क्यों? साडे दिल नू किसे ने पकड़िया। मुरशद ऐसा सेड़िए जेड़ा धोबी वांगू छटे हो ते नाल निगाहां दे साफ करेंदा विच साबन सबून ना गत्ते हो, मैलियां नू कर देवे चिट्टा विच मैल दरा ना रखे हो। मुरशद ऐसा सेड़िए जेड़ा लू लू विच रचे। तो लिहाजा अज अल्लाह पाक दा फिर फजल होया, करम होया, अज असी उहदे घर दे अंदर बैठे हाँ। इस घर की भी निस्बत है, इहदी निस्बत नाल बंदा दुकान ते भी बहिंदा है, मकान च भी बहिंदा है, बाहर होटलों पर भी बहिंदा है, हर जगह बहिंदा है, लेकिन जेड़ा इस जगह पर आके बैठ जाए। लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बावजू हो के मस्जिद में बैठता है जब तक वो बैठा रहता है फरिश्ते उसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। अगर यहाँ बैठने से नेकियां मिलती हैं, लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मोहब्बत से एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहे उसके नामा अमाल में उसके लिए एक जन्नत में दरख्त लग जाता है जिसके नीचे 70,000 साल तक अरबी घोड़ा दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म ना हो। आप आ गए, फरिश्ते आपके नामा अमाल में नेकियां लिख रहे हैं, यकीन होना चाहिए ना, जो मेरे नबी ने फरमाया पत्थर ते लकीर है, इसमें कोई शक करने वाले का ईमान नहीं है। लिहाजा बरकतें ही बरकतें, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे मैंने कहा ना, किताबें बड़ी पढ़ी हैं, मैं तो सिर्फ़ एक एक छोटा छोटा इशारा कर रहा हूँ कि दुनिया में भी है, कब्र में भी। लिहाजा आखिर ते शेर चंगियां दी सोहबत झोली पैंदे फुल ते मंदियां दी सोहबत पहले भी जांदे डुल, बुरे बंदे दी यारी जिवें दुकान लोहाड़ां कपड़े चाहे कुंज कुंज बो पर छिनकां पैन हज़ारां, ते चंगे बंदे दी यारी जिवें दुकान अतारां सौदा पाए मूल ना लो पर हुल्ले आन हज़ारां। बंदा इत्र फरोश दे कोल जाए ना, खरीदे ना, बस चक्कर ला के आ जाए ते हर कोई वेंदा है कि भाई खुशबू आ रही, ते बुरे बंदे कोल जाके कुछ ना हा करे वेख के ही आ जाए तो कहने कहना शराब खाने चु आ रहा है, शराबी लगता है, जुए खाने चु आ रहा है, जुआ खेलता होगा, है सिगरेट नशा करता होगा, चरस पींदा होगा, जैसे दोस्त। और फिर लजपाल करीम आका दा फरमान, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी कि त्याडे जैसे दोस्त ने वैसा त्याडा दीन है, वो त्याडा बिल्कुल वही हिसाब। ये हो ही नहीं सकता कि बंदे दे यार सारे चरसी मवाली ते नसवार खान वाले हों
तो बंदा आखे मैं चूंडी नहीं रखता, मैं सोटा नहीं लाता, मैं कदी घुट नहीं लाया। ये तो कदे नहीं हो सकता। जो भंगी ने की कहते तोहफे में देनी भंग, तो फिर उन्हें इस्तेमाल तो करनी ना यार ने यार समझ के, फिर कसमा पवा दें तो फिर की करोगे, तो तू फिर मेरा यार ही नहीं। अगर यार है तो एक कश तो ला, यही चलता पाया ना भाई जमाने च। और फिर यार दे कहते शुरुआत हो जाती, बस फिर चस्का पिया अगों जिंदगी खराब। तो बड़िए माँ प्यो रो रहे ने, औलादा तबाह होंदिया जा रही ने, बुराई सरे आम हो रही है। अज सानू ज़्यादा तो ज़्यादा जरूरत है लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नू सिखन दी, उस ते अमल पैरा होन दी, और उस दी दावत नू लैके अगे चलन दी। अगर साड़ी बदौलत या त्याड़ी बदौलत, अगर त्याड़े वजह तो एक बंदा जन्नत च जान आला बन जाए, अगर एक बंदा जन्नत च जान आला बन जाए, अगर एक बंदा जन्नत च जान आला बन जाए, तो किड्डा वड्डा सदका जा रही है। इस काम वास्ते 1,24,000 कमों पे शंबिया व रसूल आए, 950 साल तबलीक, रिजल्ट 70-72 बंदे। अगर आज असी नहीं करांगे कोई होर काम कर जाएगा, एक काम असी नहीं करांगे कोई होर काम कर लेगा। अगर बंदे काम ना करें तो अल्लाह पाक अबाबीला को काम ले लेंदे हैं, अल्लाह ताला तो जिदे को चाहे जैसा चाहे काम ले ले। तो लिहाजा अपने आप नूं संवारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मोमन मोमन का आईना होता है। आईने में बंदा क्या करता है? आईने में बंदा अपने आप को संवारता है। शीशे दे अगे असी क्यों जाने हैं? अपना आप ठीक करन जाने ना। मोमन मोमन का आईना है। मुर्शिद के पास क्यों जाते हैं? पीर के पास क्यों जाते हैं? वो एक आईना है, हमने उसको देख के अपना आप सीधा करना है कि हमारा मुर्शद कैसा है, उसका लिबास कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसके सर पे टोपी है, इमामा है, सर पे सुन्नत रसूल है, नमाज पढ़ता है, मिसवा करता है, जिक्र करता है। मुर्शद के पास जाकर मुर्शद से कुछ लेना है, जो मुर्शद करता है वो करना है, फिर फ़ायदा होना है। वो एक मुरीद था बड़ा आशिक, उसके इश्क का अंदाज़ बड़ा निराला। वो क्या कहता है? हर वक्त पीर साहब के साथ रहता है, पीर साहब खाना खाएं तो आगे याद करता है, हजूर तबरकन मुझे दे दें। बोले ये ले बेटा खा ले, पानी पीना हजूर थोड़ा सा तबरक के लिए मुझे पानी पानी ले लो। भाई जो चीज़ मुर्शिद ने खानी कहना हजूर तबरक के लिए थोड़ा सा दे दे, तबरक इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। एक दिन मुर्शिद आप फरमाते ने जो मर्जी तू कर तबरक लै लै के, जिस तरह मर्जी तबरक समझ, उन्नी देर तक तेनू फायदा नहीं होना जिन्नी देर तक जो मैं करदा वा वो तू ना करे। पता है चलिया कि जो मुर्शद करे और जिस दी दावत पेश करे और जिदा हुक्म करे वो करना है, अपनी मर्जी करने वाला कदे कामयाब नहीं होंदा। एक गल आज लिख के लै जाओ, नोट कर लो, जेड़ा बंदा अपनी मर्जी करता है कदे कामयाब नहीं होंदा। कामयाब वही है जड़ा राबते चे, जेड़े राबते च होंदे ने वह पुठियां सुट्टन उन्हां दियां सिद्धियां ही पैंदियां ने, ते जेड़े राबते च नहीं वह सिद्धियां भी सुट्टन उन्हां दियां पुठियां ही पैंदियां ने। लिहाजा कुछ ना कुछ सिखिया करो, जिहड़ियां गल्लां इत्थे जिहड़ी तलीम इत्थे दित्ती जा रही है उहदे ते अमल पैरा भी होना, फायदा फिर होना है। अल्लाह पाक समझता फरमाए।